नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में बात करेंगे हम गोपाल लाल मीणा से। जमवारामगढ़ जयपुर से कांग्रेस के विधायक है, दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। गोपाल जी, आपका एवन टीवी के खास कार्यक्रम में स्वागत है। गोपाल जी, सबसे पहले तो ये, क्योंकि आज आपको मैं बधाई दूंगा एवन टीवी के माध्यम से, जमवारामगढ़ में सरकारी कॉलेज की घोषणा सरकार ने की है और ये चुनावी मुद्दा भी था आपके लिए और आप चुनावी वायदा भी करके आए और चुनावी वायदा आज आपने पूरा कर दिया, किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जमवारामगढ़ में सरकारी महाविद्यालय की घोषणा की। इससे हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथियों को एक सिंबल मिला है और उनको खुशी हुई है। हमारे पूरा क्षेत्र खुशी की लहर में है। सब युवा साथी मुझे बधाई दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आखिर हमारे युवा साथियों की आवाज़ सुनी और जमवारामगढ़ में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। गोपाल जी, और क्या क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर आप चुनाव लड़े, क्योंकि एक बार पूर्व में विधायक रह चुके थे, एक बार आपको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं, इस बार फिर टिकट दिया और आप फिर बम्पर वोटों से जीत कर आए, तो इस बार क्या क्या मुद्दे थे जो आप चुनाव में करके आए और कौन कौन से मुद्दे पर आप कौन कौन से वायदा पूरा करने में इस अल्पकाल में ही सफल हो पाए? मैं सबसे पहले तो हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के नाम से 2013 के बजट में जो पास हुआ था, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी खोलने की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सरकार में उसको बंद कर दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सरकार जी आते ही सबसे पहले लॉ यूनिवर्सिटी, हरदेव जोशी पत्रकार यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी जो बंद कर दी थी बीजेपी ने, उसको खोला, जिससे हमारा ये वादा था जनता से कि हमारे क्षेत्र में जो अम्बेडकर जी के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी खोली है उसको पुनः खोला जाए, ये हमारा मुख्य वादा था और इसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस के वादे थे उनको बंद किया, उनको खोला, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। गोपाल जी, सैटेलाइट अस्पताल का बड़ा मुद्दा है इलाके से, लोग सैटेलाइट अस्पताल की भी उम्मीद करके चल रहे थे कि इस बजट सत्र में मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्या लगता है आपको, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा, आपका संघर्ष जारी रहेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 सीटें बेड देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से जमवारामगढ़ को इसी बजट में जो 25 बेड और एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि हमारे जो सैटेलाइट हॉस्पिटल का होना है, निश्चित रूप से उसमें वही कर्मोन्नत की स्थिति हो जाती है। अगर 75 बेड का वो हॉस्पिटल हो जाएगा और निश्चित रूप से वहाँ पे और सुविधाएं लागू की जाएंगी, जिससे हमारे क्षेत्र में जो चिकित्सा की सुविधा है वो अच्छी और सुचारू रूप से हो पाए। गोपाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जमवारामगढ़ का जो बांध है सबसे बड़ा, वो बांध पिछले लंबे समय से सूखा पड़ा है, पानी की किल्लत है, लोगों में आक्रोश इस बात का है कि जो जमवारामगढ़ बांध जिससे पूरे जयपुर शहर को सप्लाई होती थी, आज खुद वहाँ के जमवारामगढ़ के निवासी पानी को तरस गए हैं और लोगों की शिकायत भी सबसे ज़्यादा पानी को लेकर ही है। और फिर इस बार बरसात चल रही है, उम्मीद कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन आरोप ये लगता है कि कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटे नहीं है। सरकार ने, हाईकोर्ट ने भी कई बार फटकार भी लगाई है। आपकी तरफ से भी कोई प्रयास किया जा रहा है कि जमवारामगढ़ में कैसे पानी आए, कोई प्रयास कर रहे हैं आप लोग इसके लिए सरकारी स्तर पर या और नहीं सर? देखिए, जमवारामगढ़ जो बांध है ये एक महत्वपूर्ण झील है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा इस चुनाव मुद्दा जरूर रहा है। हमने वादा किया था जनता से कि जमवारामगढ़ बांध में पानी लाया जाएगा। 2013 में जो 1068 करोड़ की स्कीम थी उसको हम पुनः लागू कराने की बात की है और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। इस बजट की बात नहीं है, उस पर हमारी बात चल रही है और निश्चित रूप से इस बजट में ये होना चाहिए कि जमवारामगढ़ बांध में पानी आए, क्योंकि आसपास का क्षेत्र में जो पानी की कमी आई है वो जमवारामगढ़ बांध की वजह से आई है। क्योंकि जमवारामगढ़ बांध में अगर पानी आएगा तो जयपुर में भी पानी पिलाया, पूरे 100 साल तक पानी पिलाया और आने वाले समय में मेरे को पूरा विश्वास है कि जमवारामगढ़ बांध में पानी आएगा। इंद्र भगवान से भी हमें प्रार्थना है कि कैसे भी करके इस क्षेत्र में थोड़ी बरसात कम हुई है लेकिन आने वाले समय में बरसात भी होगी, वैसे पानी आएगा। हम कोशिश करेंगे
और सरकार से और मुख्यमंत्री से मांग रखेंगे कि इसमें पानी लाया जाए। गोपाल जी, सीएम साहब ने अभी विधानसभा बजट के दौरान ही कहा था, बजट सत्र में कहा था कि जमवा रामगढ़ को में पानी लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आरोप यह है कि आप लोगों ने सही समय पर उस विषय को उठाया नहीं सदन में, या अपनी बात नहीं रखी, वरना हो सकता था इसी बजट सत्र में कुछ प्रावधान होता, कहीं दूर से पानी लाने की व्यवस्था होती, या कोई रुकावटें आ रही है उनको दूर करने का प्रयास होता। तो आपको लगता है अब जो कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से हमने विधानसभा में अच्छी तरीके से उठाया है, क्वेश्चन भी पूछा है, याचिका के द्वारा क्वेश्चन लगाया है। निश्चित रूप से हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बारे में निश्चिंत थे कि हमारे जमारामगढ़ बांध की योजना बने और पानी आए, और ये मेरी ही नहीं है, सभी विधायकों की मनसा थी जयपुर के की कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए, और मुख्यमंत्री जी की भी मनसा है कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए, और हम निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमारे जमारामगढ़ बांध में पानी लाने की स्कीम करेंगे। और एक क्वेश्चन के उत्तर में, ब्राह्मणी नदी से पानी जोड़ने की बात की है बीसलपुर में, उन्होंने आश्वस्त किया है कि उस बीसलपुर से ब्राह्मणी नदी जुड़ जाएगी, तो जमारामगढ़ बांध में जो बीसलपुर से आ रहा है वो पानी जमारामगढ़ में लाया जाए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो मेज नदी से पानी आएगा वो निश्चित रूप से एक जिले को फायदा नहीं होगा, चार चार जिलों को फायदा होगा। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये पानी मेज नदी से आए, बड़ी स्कीम बने, और आसपास के 17 जो बांध तालाब ये सब उसमें फायदा होगा, लोगों को सिंचाई की व्यवस्था मिल पाएगी। बिल्कुल गोपाल जी सही कहा आपने, कहीं ना कहीं मेज नदी से यदि इस रामगढ़ बांध को जोड़ा जाएगा तो करीब 4 जिलों की जनता को इससे फायदा होगा, और कई जो है निकट है बांध है वो भरेंगे, आसपास में खेती जो करते हैं किसान उनको फायदा होगा, लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। खास मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, निकल मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे खास मुलाकात में गोपाल लाल मीणा से, कांग्रेस विधायक है। गोपाल जी बता रहे थे कि जमवा रामगढ़ में हम मेज नदी से पानी लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गोपाल जी बार बार ये सुनाई देता है, बार बार हाईकोर्ट भी बात को कहता है कि रामगढ़ में पानी पहुंचे कैसे, वहां पूरे चारों तरफ अतिक्रमण कर रखे हैं, और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो जिनका दबंग लोग है, समझ लीजिए प्रशासनिक अधिकारी है, नेता है, या जो भी जिनकी कुछ ने लाठी के दम पर, कुछ ने दूसरे दम पर, कुछ ने सांबे दाम में, और कहीं ना कहीं उस पूरे बांध पर आसपास कैचमेंट एरिया में कब्जे कर रखे, और यही कारण है कि पानी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। अभी भी जो है पानी 1.5-2 फीट पानी आया था, लेकिन वो सिर्फ जो वहाँ बरसात हुई वही पानी आया, बाहर से पानी नहीं आ पाया। आपको क्या लगता है वहाँ अतिक्रमण नहीं है या अतिक्रमण है? देखिए, जमारामगढ़ बांध में पहले बहुत बड़ा एरिया आता था, लेकिन जो कुछ पिछले वर्षों में लोगों ने जो लाखों बीघा जमीन पे खेती करने का काम किया है, जमीन को सुधार के उसमें खेती होने लगी है। आज खातेदारी जमीन को हम नहीं रोक सकते। मैं ये नहीं कहता भाई अतिक्रमण बिल्कुल नहीं, हो सकता है कुछ परसेंट अतिक्रमण का है, लेकिन अतिक्रमण का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि पहले जो जमीन थी वो खाली पड़ी हुई थी, वो जमीन में से पानी बह के आता था, लाखों बीघा जमीन लोगों ने किसान खेती करने लगे। आज उस जमीन में खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव, इसकी वजह से सबने मेड़बंदी कर ली, पानी आने का रास्ता बंद हो। कुछ एनीकट भी बने हुए हैं, लेकिन एनीकट क्या, बरसात भी 15-20 साल में जो होनी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए अतिक्रमण का इतना प्रभाव नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक जमारामगढ़ बांध में मेज नदी हो, यमुना नदी हो, कहीं से भी पानी आके नहीं डलेगा, तब तक मैं समझता हूँ बाणगंगा का रास्ता भी रुक गया। सबसे बड़ी कारण ये है बाणगंगा, बाणगंगा क्या है कि जो जमीन तो खेती में काम आने लग गई, केवल पहाड़ों का और केवल जो नदी है जी उसका पानी बचा है, उसमें कितनी बारिश हो और कितना पानी आए वो आप स्थिति देख लो, और बरसात इतनी अच्छी नहीं हो पाई, जिससे आज भी देख लो बस्सी मोरी है 239 mm और जमारामगढ़ मोरी है 100 mm, पानी की कमी बारिश होने की वजह से आज अगर 239 mm अगर जमारामगढ़ में होती तो कहीं अतिक्रमण देखने को नहीं मिलता, सब टूट टाट के आ जाते। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1982 में नौकायन हुई थी एशिया,
बिल्कुल गेम हुए थे यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है। जमारामगढ़ में बांध एक पर्यटन दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जगह है, और आप ये समझ लीजिए कि जयपुर की एक शान है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी पवित्र झील है, अगर उसमें आप सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी जो देश विदेश से लोग आएंगे वो निश्चित रूप से वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि गोपाल जी देश विदेश से भी लोग आना चाहते हैं, जयपुर की जनता भी इस रामगढ़ का वैभव देखना चाहती है, रामगढ़ का वैभव लोटे यही कामना है, और लगातार कई एनजीओज कई संगठन भी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी लगातार इस बात के लिए पाबंद करता रहा है, फटकार लगाता रहा है कि वहाँ पे जो अतिक्रमण है, जेडीए ने कार्यवाही भी की है, आप कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है, कई लोगों के अतिक्रमण है जिनके चलते उसका रास्ता रुक गया। आप कह रहे हो मेड का पानी मेड में, खेत का पानी खेत में, ये नारा चला था, तो लगता है ये बड़ा एक रीजन है। ये बहुत बड़ा रीजन है, और जो अतिक्रमण की रही बात, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अतिक्रमण की वजह से बांध में पानी नहीं आता, अतिक्रमण वही हो गया, आप उसी को अतिक्रमण मानो चाहे मत मानो। अच्छा। आप ये मान लीजिए जो हकीकत, जो जमीन की हकीकत है वो हमारे को पता है, हम उस क्षेत्र में रहते हैं। तो क्या राजनीति हो रही इस पे? मैं राजनीति भी नहीं कह सकता, लेकिन जो हकीकत बात है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ जो जमीन थी पहले पानी आता था, खाली जमीन पड़ती थी। आज आप देख लो, पहले हम लोग गाँव में गाय चराने जाते थे, लोग गाय को छोड़ देते, शाम को वहीं आ जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि जो लोग खेती करने लग गए, और खेती करने की वजह से जमीन का पानी जमीन में, गौचरे की जमीनों पर भी कब्जे हो गए। बिल्कुल 100% ये है कि गौचरे की जमीन में कब्जे हुए हैं, बांध के जो क्षेत्र है उसमें कम मात्रा में हो पाया है। गौचरा जमीन को अगर छुड़ा ले सरकार तो निश्चित रूप से उसमें फायदा मिल पाए। देखिए गोपाल जी, बिल्कुल जमवारामगढ़ का बांध का भरना वैसे तो प्रकृति पर निर्भर है, भगवान इंद्र पर निर्भर है कि वो कितनी बरसात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी कृत्रिम प्रयास करने होंगे जिसके चलते मेज बांध से ये जुड़े या दूसरे अन्य साधन से जुड़े, लेकिन इसके लिए प्रयास, क्योंकि आप वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, तो आपको करने पड़ेंगे, आपको करने भी चाहिए। आपको लगता है वहाँ पर अभी भी जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पर पर्याप्त फैकल्टी है या एक्सेस है? क्योंकि जब जयपुर राजधानी के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ तो एक्सेस स्टाफ रहता है, आपको क्या समस्या का समाधान? मेरे हिसाब से लगभग मेरे इतनी स्थिति ठीक है, कोई ऐसा स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा मोटा स्टाफ है तो मैं समझता हूँ। लड़कियों के स्कूल की कमी बताते हैं अलग से, लड़कियों के स्कूल नहीं है कोई? लड़कियों के स्कूल भी हमारे जैसे रामगढ़ में है, सरकारी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल रामगढ़ में है सीनियर तक, बानपुर कला में है, आंधी में है, आंधी में 10वीं तक है, सीनियर कराने की बात करेंगे, नाइला में है। तो ये बच्चों के स्कूलों भी हम खोलने के लिए सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया है, अभी आने वाले इस बजट में भी स्कूलें दी है, निश्चित रूप से जहाँ पे स्टाफ की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की ज़्यादा कमी नहीं है, कोई छोटी मोटी कमी है। साइंस के टीचर्स की कमी बताई जा रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से साइंस के टीचर की कमी है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की जी, बाकी तो ठीक है, सब जगह ही कमी है, लेकिन हम इस सरकार में उस कमी को पूर्ति करेंगे। खास मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं खास मुलाकात में विधायक गोपाल लाल मीणा से। विधायक ने बताया कि इलाके में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। गोपाल जी, एक सबसे बड़ी बात यह हो कि जो वहाँ पर हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, शहर से जुड़ा हुआ भी है, शहर के नज़दीक भी है, इसके बावजूद वहाँ पर महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। आपको लगता है क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, शहर के नज़दीक है, इसलिए डॉक्टरों को भी जाने आने में तकलीफ नहीं होगी, आपको कोशिश करनी चाहिए महिलाओं को, महिला रोग विशेषज्ञ वहाँ पर हो तो, ताकि वहाँ पर डिलीवरी आसानी से हो सके, और बच्चों के भी अगर विशेषज्ञ हों तो उनको इलाज वहीं पर मिल सके, तो जयपुर का लोड भी कम होगा और आपके भी इलाके में एक डॉक्टर्स होंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम गायनी जो डॉक्टर की कमी है उसको सरकार से मांग करते हैं, मांग करते रहेंगे, और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो भी मांग की है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री जी हो, निश्चित रूप से हमारी बात को सुनी है। हमने देखा है कि 5 साल में जिस प्रकार से विकास का पहिया रुक गया था, वो अब धीरे 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 तेज़ी से बढ़ने लगा है, और हमारे वादे पूरे होते जा रहे हैं, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे पानी का हो, हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले मैंने 2008 से 13 के बीच में भी
जो विकास के काम किए हैं वो आज लोगों ने दोबारा मुझे विधायक बनाया। निश्चित रूप से जो आने वाला समय है उसमें हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। सरकार की तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम 4 साल में इस पटरी, जो रेल पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पर लेके काम करेंगे। गोपाल जी, लोगों को नरेगा के तहत काम कम मिल रहा है, ऐसी शिकायतें हैं। नरेगा के तहत काम मिल रहा है, किसानों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है, ऐसी भी बात सामने आई है। आपको लगता है इन दोनों मुद्दों पर ध्यान देना होगा? नरेगा का काम निश्चित रूप से, जो 5 साल में रुक गया था काम, मैं आपको पहले बताया था कि जो विकास के काम रुक गए थे। आपको लगता है 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल, नरेगा का काम आपने देखा होगा, आज भी विपक्ष के नेता ने बताया कि हमने इतने इतने काम किए, लेकिन आपने 12 लाख काम से 25 लाख पर पहुंचा है हमारी सरकार ने, और उससे भी ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रही है आज सरकार। नरेगा की बात करें तो जो मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम लागू की थी और इसके लिए गारंटी कानून बनाया था कि हम हर व्यक्ति को काम देंगे, रोजगार देंगे, आज उस नरेगा को कोई रोजगार की कोई बात नहीं रखी। आज प्रधानमंत्री जी बात, संख्या बढ़ी आपको लगता है? हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान में संख्या बढ़ी है। गोपाल जी, ऐसी कोई बात जो आप जनता से कहना चाहेंगे कि वो इन 4 साल में करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है? आप बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं जनता से, जमारामगढ़ की जनता मुझ पर पूरा विश्वास करके मुझे दोबारा विधानसभा में भेजिए। निश्चित रूप से जमारामगढ़ की जो भी समस्या है, पानी की, बिजली की और चिकित्सा की, ये महत्वपूर्ण, सड़क हो, हर महत्वपूर्ण काम को हम पूरे करेंगे। आपको पता है कि हमारे जमारामगढ़ में 90 करोड़ की रोड भी हुई थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त कर दिया था, हमने उसको दोबारा करवाया है। स्वीकृत हो गई उसका? हाँ, अब स्वीकृत हुई, हो गई, और स्वीकृत होने के बाद में उसकी एनओसी भी ली है। एनओसी उनकी ली हुई नहीं थी, वो एनओसी भी अब मिल गई है। निश्चित रूप से हमारे जो रोड है, जो करीबन जमारामगढ़ से किशोरी बिक्रमपुरा आंधी होती हुई जा रही है, वो रोड पुनः चालू होगी, जिससे लोगों को, जो अलवर के लोग हैं, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। बिल्कुल, खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। ये थे गोपाल जी, जो गोपाल मीणा जी, जो जमवारामगढ़ से कांग्रेस के विधायक और दूसरी बार विधायक बनकर आए। इनका कहना है कि जो जनता ने विश्वास भरोसा जताया है, तो इनकी कोशिश रहेगी कि इलाके की पानी, बिजली और सड़क की वो जो समस्या है उनका समाधान करे। इलाके में महिला रोग विशेषज्ञ हो अस्पताल में, साथ में जो कॉलेज सरकार की ओर से इनको मिला है, अभी घोषणा हुई है, उस कॉलेज को जल्दी से जल्द खुलाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शिक्षा के लिए जयपुर आना पड़ता है या आमेर जाना पड़ता है, दूर कहीं जाना पड़ता है, तो उनको इलाका नहीं छोड़ना पड़े, उसको खुलवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अम्बेडकर विधि महाविद्यालय जो शुरू हुआ है, वहाँ भी जल्दी से ही अध्ययन शुरू हो, इसका भी प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इनका कहना था कि पिछले 5 साल में जो सरकार रही गैर कांग्रेसी, उन्होंने कहीं कहीं विकास कार्य अवरुद्ध कर दिए, तो उनको पटरी पर लाने का ये प्रयास करेंगे। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।